जम्मू स्मार्ट सिटी की आज पोल पूरी तरह से खुल चुकी है और जीवन नगर इलाके की ये तस्वीर है। आप यहाँ पर देखिए, एक नाला जो है वो अपने उफान पर है और तस्वीर आप यहाँ पर देखिए कि खतरा किस तरह से मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए, ये बिल्कुल पुली के बिल्कुल साथ की तस्वीर आप यहाँ पर देखिए और ये नाला जो है वो अपने उफान पर आ चुका है और लोगों का प्रदर्शन लगातार यहाँ पर जारी है। तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, ये नाला अपने उफान पर आ चुका है, लोगों का यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। और पिछली बार भी जब बारिश हुई थी तो लोगों ने इसी तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया था। और ये तस्वीर आप यहाँ पर देखिए, ये नाला जो है वो अपने उफान पर है और बड़ी मुसीबतें जो है वो लोगों के लिए बन सकती है। लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। लगातार जम्मू में बारिश हो रही है, इस बारिश ने जम्मू लोगों की मुसीबतें जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ाई है। और तस्वीर आप यहाँ पर देखिए, एक नाला जो है वो एक बड़े से दरिया में तब्दील हो चुका है। गंदा पानी जो है वो नाले से गुजरता हुआ आपको नजर आएगा और मुसीबतें काफी हद तक बढ़ चुकी हैं और लोगों का प्रदर्शन जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और ये देखिए, ये आपको एक नाला नहीं बल्कि एक बड़ा सा दरिया आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, ये एक नाला है जो अपने उफान पर है। अगर कुछ और समय बारिश होती है तो कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। लोग जो है वो सड़कों पर निकल आए हैं और जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। उस पुली को बंद किया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई भी हादसा यहाँ पर ना हो सके। और ये लाइव तस्वीरें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हालांकि अभी बारिश रुकी नहीं है, लगातार बारिश कंटिन्यू है और आप यहाँ पर देखिए, किसी भी तरह का कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। और ये नाला जो है वो आप यहाँ पर देखिए कि कितना प्रेशर है इस पानी का, और अगर ये पुली टूट जाती है तो कोई भी बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर हो सकता है। और लोगों ने इस पुली को बंद करते ही यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो कंटिन्यू किया है। महिलाएं जो है वो इस समय सड़कों पर हैं। नेक्स्ट स्टेप भी पानी आएगा, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, लोग सड़कों पे हैं, लोग अपने घरों में कैद हो गए। गली तक कितना पानी था आप देखिए, मैं गली में गिरते हुए आई हूँ, मेरा पूरा शरीर, मेरी पूरी टांग जख्मी हो गई है। लेकिन प्रशासन को बार बार बोलने के बावजूद, मंत्रियों को बार बार बोलने के बावजूद भी उनकी नींद नहीं टूट रही है। केवल यहाँ पे प्रशासन नेता आते हैं, विजिट करते हैं, अपनी फोटो खिंचवाते हैं और अपनी खबरें लगवा रहे हैं कि नेताओं ने जीवन नगर बाढ़ प्रभावित एरिया में जो है विजिट किया, दौरा किया। वही उनसे पूछे दौरा करके क्या किया, क्या लोगों के घरों में 5-5 किलो आटा भी डाला, जिनके घरों में कुछ भी नहीं बचा, क्या 2-2 गद्दे भी दिए। आज हम हमारी बहनें अपने हद से जितना हो सक रहे हैं अपने घर डूबने के बावजूद लोगों की मदद कर रहे हैं। हम यहाँ पे, मैं और सुमन तब से यहाँ पे, हल ये होना चाहिए, ये पुल जितने भी बने हैं ये गलत तरीके से बने, जिनके ऊपर से पानी निकल के है लोगों के घरों में जा रहा है, ये पुल तोड़ा जाए, आज के आज ही तोड़ा जाए, क्योंकि खतरा इतना ज्यादा है। मैं आपको बता दूं कि लोगों के घरों में इतना पानी तो आज आ गया, अब नेक्स्ट पानी के लेवल क्या होगा आप बता, आप जान सकते हैं। लोग डूबेंगे, घर डूबेंगे और मकान भी यहाँ पे तोड़ दिए जाएंगे। मेरी प्रशासन से एक अरदास है कि अगर आप हमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा करिए कि हमें कहीं ना कहीं लोगों को एक सेफ जगह तो प्रोवाइड करवाइए, एटलीस्ट बरसात में, ताकि लोगों को जो है ना ये खतरे का सामना, डर की जिंदगी और रात को जो है डर डर के ना सोना पड़े ना जागना पड़े। हर साल प्रदर्शन करते हैं लेकिन जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी यहाँ पर आए, लगातार प्रदर्शन जी क्या कहेंगे आप? जी मैम, मैं यही कहना चाहूंगी आपके माध्यम से, रश्मि जी आप देख रही हैं, आप हर बार आती है हमारे कहने पे, आप हर बार जब भी बुलाते आते हैं, आपने पिछली बार भी हालात देखे कि क्या हालात थे। आज रश्मि मैम, मैं जब घर से निकली अपनी गली में, मेरे यहाँ तक पानी था, मैं गिर गई हूँ, आप ये देखे मेरी टांग पूरी जख्मी हो गई है। ये हालात थे यहाँ गली में, आप घरों का अंदाजा लगाइए कि क्या हालात होंगे। मैं आपके माध्यम से यही पूछना चाहती हूँ, पिछले परसों रंधावा जी भी यहाँ पे आकर गए, यहाँ विजिट करके गए और दूसरे दिन सुबह उनका मुझे कॉल आता है कि पूनम दीदी हम 2 दिन में आपका पुल तोड़वा देंगे। अब वो 2 दिन मैं पूछना चाहूंगी आपके माध्यम से, क्या नेताओं वाले 2 दिन थे कि जनता वाले 2 दिन थे, क्योंकि 2 दिन से 4 दिन हो गए। खुद यहाँ पे निर्माण में जब इन्होंने प्रदर्शन किया था तो 2 दिन के अंदर कार्रवाई हो गई थी, क्योंकि खुद वहाँ पे प्रदर्शन में थे। जी जी, जहाँ जहाँ इनका सेल्फ इंटरेस्ट होता है, जहाँ पे इनको अपना लगता है वहाँ पे तो ये 2 दिन में कार्रवाई करते हैं, लेकिन जनता के लिए जो आप देखिए परेशानी का सबब है। आप बताइए, मेरे घर में इतना पानी, मुझे ये नहीं पता मेरे बच्चे का है, मुझे ये नहीं पता मेरे घर में कितना पानी, इतना घातक है ये पानी मैम, इतना घातक है कि मैं और सुमन जब यहाँ खड़े थे
तरीके से जा रहे थे, सबने देखा है। लेकिन आज हमने ठान लिया कि हम यहाँ पुल से तब तक नहीं उठेंगे, मरना आप हमें मार दो, जेल में लेना ले जाओ, आज इस समस्या का समाधान हमें दे दो, दे दो प्रशासन के आगे गौर है, पीएम साहब के माध्यम आपके माध्यम से पीएम साहब के आगे हमारी रिक्वेस्ट है, हमें समाधान दे दो, पुल तोड़ दो, अगर आप पुल नहीं तोड़ोगे तो हम इसी पुल में छलांग लगा। मैं पूनम शर्मा आपके माध्यम से बोल रही हूं। तो आप अभी भी तस्वीरों आप यहां पर देख सकते हैं कि खतरा लगातार मंडराता हुआ यहां पर नजर आ रहे हो, लोग बारिश के बीच प्रदर्शन करने के लिए यहां पर मजबूर है। और महिलाएं यहां पर आप देखिए कि महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर उतरकर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ रही होंगी। ये देखिए यहाँ के स्थानीय लोग इस पुली को बंद कर चुके हैं और लोगों का ये कहना है कि इसी पुली की वजह से हर साल प्रदर्शन करते हैं और हर साल यही चीजें जो है वो देखते हैं। सर देखिए, पहले तो ये चल रहा था कि थोड़े दिन पहले हमने देखा कि दो बार बारिश हुई, तो दोनों बार जो है कि पानी का फ्लो काफी रहा, जीवन नगर वालों का भी नुकसान हुआ और जवाहर नगर वालों का भी नुकसान हुआ, तो इसका हल तो कोई निकल नहीं रहा। काफी देर से कह रहे हैं कि ये साइडें तोड़ेंगे, पुल उठाएंगे, अगर पुल उठाएंगे तो हमें साइडों की जो जगह है वो 10-10 फुट तो मैक्सिमम चाहिए, तो जब वो तोड़ेंगे तो लोगों का नुकसान होगा। मेरी बात सुनी ना, वो लोगों का नुकसान होगा, उससे अच्छा यही हल होगा कि अगर हम लोग सरकार से यही रिक्वेस्ट करें, जितना पीछे से ये देखो 50 फुट के लगभग जो है चौड़ाई में है, ठीक है, 12-13 फुट के लगभग में गहराई में है, अगर इतनी ही गहराई आगे दी जाए, चौड़ाई नहीं गहराई, देखो चौड़ाई देंगे तो लोगों का नुकसान होगा, जो लोग बैठे हैं उनका नुकसान नहीं करना, नहीं हो सकता, काफी देर से ये चल रहा नहीं होगा, ठीक है लोग, तो उससे अच्छा अगर उसको गहराई दी जाए, गहराई तो सरकार दे सकती है ना, जो नीचे जो बेसमेंट नीचे उन्होंने प्लंथ भरा हुआ है, सुनिए मैम, जो नीचे उन्होंने भरा हुआ है उसको ग्राउंड दी हुई है, उसको ग्राउंड को उखाड़ के साइडों से नहीं, वो उखाड़ के उतनी ही 10-12 फुट की गहराई दी जाए, तो मेरे ख्याल से ये मसला हल हो सकता है। ये पहली बार थोड़ी कह रहे हैं, तो देखो वो यही कहते हैं कि पुल, सुनिए मेरी बात, ये कहते हैं कि पुल उठाना है, तो पुल उठाने से साइडों का नुकसान होगा ना, लोगों दोनों तो जीवन नगर वालों का भी उनका भी, तो मैं कहता हूँ कि अगर इसको गहराई मिल सकती है, जो भी आप अपनी डिमांड, हाँ ये डिमांड मैं देखो सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग, ये सभी ये कहते हैं इसका हल तो निकालना पड़ेगा, ठीक है, हाँ वो जो देखिए एक मिनट वो देखो जो साइड है ना वो आगे वेट कीजिए, हाँ देखो इसको थोड़ा सा अगर हाइट मिल जाए साथ में इसको गहराई मिले इसको, क्योंकि आगे जो पुल है ना उसको भी थोड़ा देखो वो भी बीच में एक पिलर रखा हुआ है, जो आगे वाला पुल है ना वो चक्की वाला पुल, उसके बीच में दो पिलर है, देखो रुकावट तो वो भी तैयार करते हैं यहाँ पे, तो अगर उसको भी थोड़ा हाइट दे दे तो इसको थोड़ा गहराई में रखे। आप यहाँ पर देखिए अभी भी लोग जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ ये प्रदर्शन लगातार यहाँ पर जारी है। और देखिए ये तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए कि एक नाले में लोगों ने क्यों घर बनाया रोड पे घर, जब पक्का नाला चार शहरों का पानी यहाँ क्यों आ रहा है बताओ ना मुझे, डीसी ने घर बनाया रोड बनाया, हमेशा दोष गवर्नमेंट को क्यों देते हैं लोग, लोगों की कोई ड्यूटी नहीं है, मकान टूटता है तो कहाँ जाता मलबा नाले में, चार शहरों का पानी इधर क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है बताओ मुझे, मेरा भी सवाल है मीडिया से, मीडिया थोड़ी करना प्रशासन ने करना है, तो प्रशासन क्या क्या करे, कभी पहले आयो कभी क्यों नहीं आयु, क्यों नहीं आयु प्रशासन से बात क्यों नहीं, क्यों कर रहे हैं बात कर रहे हैं ना लोगों, नक्शे निकालो ना फिर पता चले आपको, मैं इधर ही रहती हूँ मेरे घर पानी नहीं आता क्या, क्यों नहीं आता चलो ना, क्यों लुटा रही हूँ बाहर निकलूंगी जाऊंगी क्यों, मैं सबसे नहीं आराम से करूंगी, मेरी बात सुनो, जब भी कहीं क्राइम होता है एक सेकंड जब भी कहीं क्राइम होता है लोग किसको दोष देते हैं, बीजेपी को, जब कहीं क्राइम होता है पुलिस वालों ने देखना, लोग रोड पे चलते कि नहीं चलते, क्या लगता है किसको देंगे दोष, किसको देंगे, पक्ष में बैठे उनको दोष दे, मेरी बात सुनो आराम से, आराम से नहीं सुनो, नहीं आप क्या कहते हैं विपक्ष से फैंका फैंका विपक्ष नहीं, एक मिनट जीवन नगर पानी जा रहा है ना, ये जहाँ से लेके आप इतनी जनता का ले करती है, हाँ करूंगी करूंगी, दोषी लोग हैं, मैं भी हूँ, मैं 11 साल से यहाँ रह रही हूँ, मैं देख रही हूँ ना, जब मैं आई थी ये नाला 11 फुट पक्का था, किसने बनाया प्रशासन ने बनाया, अब ये नाला ऊपर कैसे आया, पानी चार शहरों से पीछे से आ रहा है, तो चलो ना, ये जो लोग हैं गलत कर
रहे हैं, ये लोग गलत कर रहे हैं क्या? मेरी बात सुनो ना, मलबे की सफाई तो हम लोगों ने घर क्यों बनाया? नाले पे घर क्यों बनाए? क्यों बनाए? आपने क्यों बनाया? नाले नहीं बनाया, निकालो नक्शे। नाले भी क्यों बनाए? मैं इस नाले में रहती हूँ, चलो मेरे घर चलो ना, देखिए ना, देखिए देखिए ना, इन लोगों ने नाले पे घर बनाया, घर बनाया, सपने बनाया, सपने बनाया, सपने बनाया। हाँ भाजपा आप यहाँ पे डिपेंड करने आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मेरी बात सुनिए ना, की बात हो रही है, हाँ यह पॉलिटिक्स की बात नहीं, मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स बात नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं नेतागिरी नहीं कर रही, इनके रिलेटेड बात कर रही है, मैडम आप पत्रकार हैं, आप हमारे साथ तरीके से बात कीजिएगा। मैंने कौन सी नेता करी? बिल्कुल नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये महिला है भारतीय जनता पार्टी से, ये देखो भारतीय जनता पार्टी की ये कार्यकर्ता है और पत्रकारों के साथ यहाँ पर अभद्र व्यवहार, ये देखिए, देखिए यहाँ पर आप देखिए भाजपा की कार्यकर्ता है ये, और किस तरह से यहाँ पर कार्यवाही की जा रही है, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, ये देखिए, ये देखिए, ये गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं, ये देखिए, मसला हल करने आए हैं, कुछ जगने थोड़ी ना आए हुए, जगने थोड़ी ना आए हुए यहाँ, हाँ ये मसला मिलके ये देखिए, ये महिला है पत्रकारों के साथ बदतमीजी कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है और यहाँ पर पत्रकारों के साथ लोगों के साथ भी अभद्र व्यवहार कर रही है ये महिला, ये देखिए, मोहल्ले वाले सब परेशानी में, आप परेशानी में आ रहे हो, बीजेपी से सर सवाल बीजेपी के नहीं है, यहाँ मोहल्ले वाले परेशान है, आप लोग हमारी समस्या के लिए आए हो, इसका मतलब ये थोड़ी आपसे बात नहीं हो, ये गलत हो रहा है, आपकी वजह से पूरे मोहल्ले वालों को परेशानी हो सकती है, ये किस इनको क्या जरूरत है मैडम, इनको जरूरत क्या है, क्या जरूरत है इनको आने की, ये हमारी बात उठाएंगे आगे तक, मेरे घर पानी आया, लाख रुपए का नुकसान हो गया दुकानों के अंदर पानी नहीं, किसको बोल रहे हो, लोगों ने नाले के ऊपर, देखो जीवन नगर वालों के लिए आप लोग आए हो, आपका फिर से मतलब शुक्रिया अदा करते हैं, यहाँ सारे मोहल्ले वालों की आप आवाज है वो आपको पता पहुँचाओगे, हम लोग माफी चाहते हैं, एक लेडीज की वजह से अगर आपको परेशान हुई है उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं, वालों से माफी मांगते हैं, माफी मांगते हैं, हमारे साथ है, हमारे गलत है, हमारे साथ ये नहीं है, और हमें ये क्या चाह रहे हैं, मैं भी ये प्लांटेड हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने कहा मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, मुझे नहीं मालूम है इन्हें क्या हो गया, आपके मोहल्ले की हमारे मोहल्ले की, लेकिन ये
अच्छी लड़की, लेकिन ये बहुत अच्छी लड़ी थी, लेकिन मुझे नहीं पता आज इनका ब्रेन वॉश क्यों किया गया। पहले ये ठीक थी, देखो अंदर बैठ बैठ के ना थोड़ा मेंटली डिफेक्ट हो जाता है, तो ये उसी का नतीजा है। ये मैं तो वही देख रहा हूँ, मैंने जब से देखा मैं तो ऐसे देख रहा हूँ। मैडम का मीडिया का आप लोगों ने मीडिया वालों को लाखों रुपए दिए, नहीं आए हैं ये किसके लिए है? आप लोग के लिए आए हैं। मीडिया का कसूर है जितना कसूर है। आग लगाते हो, जलती पे आग लगाते हो, और आप क्या करते हो? मैं तस्वीर करती हूँ मीडिया। मैडम आप जाओ, थोड़ी देर कैमरे बंद करो, ये खुद बहुत चली जाएगी। थोड़ी देर कैमरे बंद करो, सिंपल सोल्यूशन, थोड़ी देर बंद कर दो, ये खुद बहुत चली जाएगी। निकालो उनको यहाँ से, निकालो उस महिला को, निकालो 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 उस महिला को। हमारे लिए नहीं, ये तो अलग ही मुद्दा उठा रहे हैं ना, ये तो अलग ही मुद्दा उठा रहे हैं ना, ये तो बदतमीजी कर रहे हैं, ये आपसे बदतमीजी कर रहे हैं, हमको क्या करेंगे? किस पार्टी बाजी की तरफ से हम लोग आपसे माफी मांगते हैं? यहाँ कोई पार्टी बाजी नहीं है, किसी भी किस्म की पार्टी बाजी नहीं है। यहाँ पूरे मोहल्ले वाले परेशान है, आप लोग हमारी परेशानी को ऊपर डिपार्टमेंट तक पहुंचाने के लिए आए हो, इतनी बारिश में आप लोग आए किस लिए? ये एक पर्सन होता है, उसमें पूरा मोहल्ला नहीं इन्वॉल्व, इसमें हमारी तरफ से कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है मोहल्ले वालों की। हमारे पास कोई भी है, कोई भी नहीं पर्सन आए, जो पार्टी पार्टी करेगा वो मोहल्ले का नहीं है। जब ये आए हैं बड़े अच्छे तरीके से आए हैं, बात की, चलो भी हमारे लिए बात करेंगे, बड़े एट द एंड महादेव के लिए आए, महादेव अभी जाने। मसला सिर्फ इतना था कि पुल की आवाज जो है वो डिपार्टमेंट तक पहुँचाई है, इस पुल की वजह से जो है हम आपसे माफी मांगना चाहेंगे, क्योंकि इनकी कोई मुझे दिमागी परेशानी लग रही है, या भाजपा ने कोई स्पेशल लॉलीपॉप इनके मुंह में डाल के रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये भाजपा भाजपा यहाँ पे कर रही है। और भाजपा का नाम भी नहीं लिया हमारे यहाँ पे, जब हमने किसी का नाम नहीं कर रहे, जैसे रश्मि मैम आप भी कितने देर से कवर कर रहे हैं कि हमने किसी के खिलाफ बोला? हम जितना चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो, हमारी समस्या का समाधान हो, समस्या को बोलिए। आपने बोला सबको कि वो लोग मलबा फेंकते हैं, जब आपने घर बनाया मुझे बता, सबको बता, सबको बता, मेरा पता कहाँ रहता है? किधर रहता हूँ मैं बताओ, बताओ ना कहाँ रहता हूँ, क्या बताओ? आपको कुछ भी नहीं पता, जीरो नॉलेज, क्यों डरता है? आप क्यों आए यहाँ पर? मैडम मैडम ये लोग ना, ये लोग मैं जानती हूँ, ये लोग सच दिखाते हैं, आप जैसे लोगों का, ये लोग आप जैसे लोगों का सच दिखाते हैं, आप सब पागलपन दिखाते हैं, सच दिखाते हैं, ठीक है? आप जैसे पागल लोगों का सच दिखाते हैं, आप लोग कह रहे हैं कि पागल हो गए हैं, ये पूरा जंगल है, सोशल मीडिया में मुंह में पानी जा रहा है, चला पानी चला रहा है, मुंह में पानी जा रहा है, चला चला था तभी तभी किलो किलो लिपस्टिक लगा के ना मीडिया आ जाती है, मैं तो जानती हूँ, जानती हूँ। अस्पताल में इलाज चल रहा है, अच्छा और आप सबकी कुंडली ना खोलू ना, बोलो ना आपकी कसम, मीडिया की कुंडली ना खोली ना, कौन सा पंडित हो? हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, आपकी खुल गई, आपकी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा अस्पताल में चल रहा है? आपको बताओगा, मीडिया वालों को बताओ, आगरा में सबसे बड़ा पागल हुआ, उससे भी बड़ा है कोरा, आपको नहीं पता? ओहो सेम सेम सेम, अच्छा और बस आगरा तक पहुँचे हो ना, हमसे आप हमसे बड़ा बात, मैंने बात की थी, याद रखना, हमसे बड़ा बात बात, आप जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, क्या हुआ आज आपको? अच्छा आपको क्या हुआ मुझे? हर हर महादेव, मैंने मान लिया, क्यों जाओ ज्यादा बहुत खुद करने का हाथ दिया, हमने घंटा लाया, अच्छा कहीं कहीं क्राइम होता है तो मोदी का दोष, मोदी कर बैठा है ना,
आप लोग बैठा मोदी, आप लोग बोलते हैं मीडिया बोलते हैं, तू लेके मोदी चाय पिलाओ, मोदी आ रहे हैं आपके घर चाय पीने के लिए, जाओ जाओ तू लेके चाय तो मैं पिलाऊंगी, मैं ये किसी ने इन्हें भेजा है हमारे प्रदर्शन को खराब करने के लिए, देख लीजिए ये किसी न किसी की साजिश है कि यहाँ पे डिस्टर्ब किया जाए। दीदी छोटू बोले दीदी अरे दुनिया मरे तो अपनी भाई यहाँ से मोड़ो और यहाँ ये लो यहाँ से आपको देखिए देखिए लोग आज भी कितने सेल्फिश होके सोच रहे हैं, यहाँ घर में पूरा सत्यानाश हो गया, हर साल होता है वो बैठा है, छोटा आवाज उठाने के लिए आप पिटूंगी बोला आगरा का आप लोगों को मारोगे, आगरा से बढ़ाई है ना, माइक पकड़ रहे हो आप, माइक पकड़े हो उसको धक्के मारे, माइक को मारते किसी को देते, भोले बाबा के भगत हो ना हम भी बोले बाबा के भगत है, हम भी आपने कुछ सर्टिफिकेट नहीं लिया याद रखना, और जो बदतमीजी कर रहे हैं आपने धक्का क्यों मारा, हम याद आपको धक्का किसने मारा, धक्का किसने मारा, आप मर्दों को मार रहे हो, लड़कों को मार रहे हो, भाइयों को धक्के मार रहे हो, या औरत को आपको ये शोभा देता है, मारा कल को बोला की हमें हमें हाथ लगाया ये विक्टिम कार्ड, मैंने बोला मैंने बोला, अच्छा जी अच्छा आराम से बात करो, जनरल बात करो, जो बात नहीं आप मुझे बताओ, हम सुबह से यहाँ पे गिर के ये दफा मेरी हालत क्या हुई है लोगों के लिए, आपको क्या लग रहा है मैं पागल हूँ, ये पागल है नहीं, आप मुझे जानते हो ना, एक मिनट चुप चुप, आपको क्या लग रहा है हम पागल है, चल मेरे घर में, चल मेरे घर का कचरा साफ कर, वो आपके क्या सब हाल है भैया, मैंने पहले दिन का कचरा अभी तक नहीं उठाया, जो पहले दिन का ये सारे लोग जानते हैं, क्यों नहीं उठाया, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए भाग रही हूँ, सुबह भागती हूँ शाम को आती हूँ, इसके घर पानी नहीं जाता है, इसको क्या चलनी पड़ी है, सबके घर में पानी, अभी जब हम यहाँ पानी आया हम लोग यहाँ खड़े थे, हम अपने घर हमें अपने अपने इस समय अपनी अपनी राजनीति के लिए हम अपनी समस्या लेके आए, समस्या लेकर आए, समस्या सुनने के लिए, समस्याओं के लिए हमारे प्रेजेंट है, यही बात है, प्लांटिंग हमारे प्रदर्शन को खराब करने के लिए, हमें डिस्टर्ब करने के लिए इन जैसे लोगों को यहाँ भेजा गया है, ये तो आता भाई उतर आई हो, बिल्कुल बिल्कुल, और ये बोल रही है बार बार भाजपा 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 से भाजपा इसे मुड़कर पूछे पानी चला गया, पानी चला गया, कोई नहीं पहुंचा आपके, ये बात आप ऊपर डिपार्टमेंट तक पहुंचाओगे तभी हमारी सुनवाई होगी, लेकिन पहुंचाने वाला कौन है, ये सब आप लोग अगर भर पड़े इसका मतलब ये नहीं सारा मोहल्ला परेशान है, सब मोहल्ले में तीन दिन चार चार फुट पानी चला गया, लोग जी बाजवा 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 तो बंदे क्यों नहीं आ रहे, डाले अभी बाजवा जान है, ये पानी वाले बुलाए ना सारे की जड़े एमएलए एमपी बनाए ना बुला लेना, फिर इसे पार्टी बची नहीं, हां बुला लेना मल्ले जी, सारी प्रॉब्लम आ रही है, उनकी कल तकलीफ हो रही है, ये बेचारी ये मीडिया से अगर नहीं इंतजार करेगा तो मीडिया जी कौन सुनाई करेगा मीडिया का क्यों मारना भाई, मीडिया का काम है सारे घूमना फिरना करना, ये थोड़ा अगर आप बीजेपी कर रहे हैं तो बुलाओ ना उन लीडरों को, देखिए आगे हालात इनके, मीडिया की करेगा थोड़ा, तो मीडिया ही ब्लॉक कर देता, मीडिया ब्लॉक कर दियोगे की फायदा होगा, मैडम आपको हो गया शुक्रिया, तो अभी यहाँ पर जो स्थिति है यहाँ पर काफी ज्यादा गंभीर है, और एक महिला ने किस तरह से अभद्र व्यवहार यहाँ के लोगों के साथ किया है वो अब तस्वीर आप यहाँ पर देखिए, और ये जोरदार प्रदर्शन आज जीवन नगर इलाके में किया गया है, एक महिला जो कि अपने आप को भाजपा की कार्यकर्ता बता रही थी उसने किस तरह से यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ अभद्र व्यवहार यहाँ पर किया है, लाइव तस्वीरों में आपने यहाँ पर देखा,
और ये हालत दिखाने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे थे। और ये लाइव तस्वीर आप मेरे पीछे आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से ये नाला जो है वो अपने उफान पर है। और इसी नाले के विरोध में आज जीवन नगर के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। लेकिन एक भाजपा अपने आप को भाजपा की कार्यकर्ता बताने वाली एक महिला ने यहाँ के लोगों के साथ किस तरह से अभद्र व्यवहार और अभद्र टिप्पणी यहाँ पर की है, पुरुषों के साथ हाथापाई भी यहाँ पर की है। और ये लाइव तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश हमने आपको की है। और मेरे पीछे आप वही पुली देख सकते हैं जिस पुली के विरोध में आज जीवन नगर में रहने वाले लोगों ने बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर किया और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी भी की है। नमस्कार।